यूनिवर्सिटी के इस्तेमाल के लिए ग्रांट्स और यूनिवर्सिटी की तरफ से डोनेट किए जा रहे हैं, जिनका आज इंट्रोडक्टरी सेशन था, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स, हमारी फैकल्टी और इवन मैंने खुद अंडरस्टैंड किया कि व्हाट इज़ दिस टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट विल वर्क। अपेरेंटली इट सीम्स के बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है, जो साजगार ब्रांड मैनुफैक्चर रिक्शे के, उनके ताउन से ये फोर बैटरी जो कि रिप्लेसेबल है, फोर बैटरीज विद ए मोटर, ये एक सिस्टम है विच इज़ क्वाइट सिंपल। और इसको मैंने खुद इसको टेस्ट ड्राइव भी किया, चलाने भी अभी इसमें कम आसान है। और इसमें एक वक्त में स्टैंडर्ड 6 लोग जो वो बैठ सकते हैं। अगर किसी ने नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी देखी है तो यहाँ पे एक ए टू बी ब्लॉक का जो आपस का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर है। और ए ब्लॉक में डिफरेंट क्लासेज होती हैं, बी ब्लॉक में डिफरेंट क्लासेज होती हैं। तो स्टूडेंट्स और फैकल्टी दोनों के लिए एक ग्रीन मोबिलिटी का जो एक हमारा आप कह लें कि प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व करने के लिए ये ग्रीन रिक्शा जो हैं ये बहुत शानदार ऑब्जेक्टिव सर्व करेंगे। और साथ साथ हम ये चाहते हैं कि जहाँ पे माहौल दोस्त हैं वहाँ पे थोड़े से इकोनॉमिकल भी हैं, तो वी आर नॉट येट डिसाइडेड कि हम इसको किस मैकेनिज्म पे चलाएंगे, लेकिन अपेरेंटली ये लग रहा है कि दे विल बी नियरली फ्री ऑफ चार्ज और फ्री ऑफ एनी कॉस्ट इन्वॉल्व। और एक अच्छी चीज़ भी है कि इनकी जो रिप्लेसेबल बैटरीज हैं उनकी लाइफ जो है वो 6 से 7 साल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हुज़ैफ़ा रऊफ़ है और मैं इस प्रोजेक्ट का मैनेजर हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर बेस्ड स्वैपेबल बैटरी के ऊपर बेस्ड हमारा ये प्रोजेक्ट है, जिसको हमने मुल्तान में लॉन्च किया है USAID की कोलैबोरेशन के साथ। और इस रिक्शे की खासियत ये है कि ये स्वैपेबल बैटरी के ऊपर ये रिक्शाज चलते हैं, जिसके अंदर हम बैटरीज को की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को बड़े आसानी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल ऐसे कर सकते हैं कि हमारी जब भी बैटरीज डिस्चार्ज होती हैं, हम एक स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ से चार्ज बैटरीज लेते हैं और चार्ज बैटरीज को डिस्चार्ज बैटरी से रिप्लेस करके, और रिक्शा ड्राइवर को हार्डली 3 से 4 मिनट के अंदर वहाँ से स्टेशन से चला जाता है। एक फिक्स बैटरी रिक्शा के अंदर 3 से 4 घंटे की चार्जिंग रिक्वायर्ड होती है, जबकि इस रिक्शा के अंदर हार्डली 3 से 4 मिनट आपकी जो बैटरी है वो चार्ज बैटरी देके अपने सफ़र पे गामजन हो सकते हैं। हमारे ये प्रोजेक्ट 20 रिक्शाज पे अभी मुश्तमिल है, जिसके अंदर 8 लोडर रिक्शा हैं और 12 पैसेंजर रिक्शाज हैं। और हमारा मेन मकसद यहाँ की आवाम के अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस पैदा करना है। और इसके अंदर इसी कोलैबोरेशन के तहत MNS यूनिवर्सिटी ने हमारा इसके अंदर काफ़ी साथ दिया। हम इनके साथ भी 3-4 रिक्शाज हैंड ओवर जल्द स्टार्ट करने लगे हैं, जिसकी मेन मकसद यह है कि यहाँ के स्टूडेंट्स को, यहाँ के फैकल्टी को, यहाँ के स्टाफ को आसानी हो सके ट्रांसपोर्टेशन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और उनके लिए एक नॉइज़लेस, वाइब्रेशन लेस और एक कॉस्ट इफेक्टिव और एक पोल्यूशन लेस एक सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम उनको प्रोवाइड कर सकें, ताकि उनकी कन्वीनियंस ये सारा जो स्टार्टअप है हमारा उनकी कन्वीनियंस के लिए। बहुत तहे दिल से मशकूर हैं MNS यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने हमें हर तरह से इसके अंदर ताउन फ्राहम किया, हमारी हेल्प की, हमें अवेयरनेस सेशन कंडक्ट करवाने में हमारी मदद की, और हमें इन रिक्शाज को यहाँ पर चलाने की भी इजाज़त दी। और VC साहब ने खुद भी इसकी टेस्ट ड्राइव ली और वो खुद भी इससे बहुत मुतमईन है, और हम आगे इसको फर्दर इसके अंदर डिफरेंट किस्म के मॉडल्स को डिस्कस करेंगे उनके साथ, जिसके अंदर हम या तो रिक्शा ड्राइवर्स के थ्रू चलाएंगे या स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप देंगे, ताकि वो ड्राइव करके इसके अंदर से अपनी कुछ इनकम जनरेट कर सकें। और मेरे ख्याल से ये इनिशिएटिव है या MNS यूनिवर्सिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, उनके स्टूडेंट्स के लिए, उनके स्टाफ के लिए। मैं फिर से मशहूर हूँ MNS यूनिवर्सिटी का कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट में हमारा साथ दिया और इसको आगे बढ़ाने में हमारी मदद करी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ई मोबिलिटी R&D सेंटर लम्स की तरफ से यहाँ आया हूँ आज MNS एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान में,
और इम्यूनिटी आरएनई सेंटर में मैं एज आ प्रोजेक्ट इंजीनियर काम कर रहा हूँ, लीड प्रोजेक्ट इंजीनियर इंजीनियरिंग टीम को लीड कर रहा हूँ और वहाँ पे जो बैटरी और मोटर की टेस्टिंग की फैसिलिटी है उसको देख रहा हूँ। एक्चुअली इन रिक्शाज़ के अंदर दो ही मेजर जो है कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं, एक मोटर है और दूसरी जो है वो बैटरी है, और उनकी टेस्टिंग और उनको लोकली मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने वहाँ पे जो है एक आरएनडी सेंटर बनाया है जो ना सिर्फ टेस्टिंग करता है और ये बताता है कि यानी इन बैटरीज की जो है कितने लाइफ साइकिल हैं और इन मोटर्स की जो है क्या एफिशिएंसी है। इसके अलावा जो है हम लोकली मैन्युफैक्चर करने के लिए भी रिसर्च वर्क करते हैं वहाँ पे। तो आज हम यहाँ पे अपनी जो हमने एक रिक्शा लॉन्च किया है जो बनाया है उसके फील्ड ट्रायल के लिए हम एवनेस में आए हुए हैं और साथ में यहाँ के स्टूडेंट्स को हम अवेयरनेस सेशन दे रहे हैं सो डैट कि वो इस एक्टिविटी में हमारे साथ कॉपरेट करें और इस प्रोजेक्ट को फर्दर जो है वो एक्सपेंड करने में एक वाइटल रोल प्ले करें अपने एंड से। थैंक यू। सो बेसिकली आर प्रोजेक्ट इज़ बेस्ड ऑन द एजेंडाज जो कि इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, एंड वी आर लॉन्चिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन टू रिप्लेस द फ्यूल बेस्ड रिक्शाज और द व्हीकल्स रनिंग इन आवर एनवायरमेंट। हमारी कुछ इस तरह के एजेंडाज हैं जो कि लाइक पॉल्यूशन को और नॉइस पॉल्यूशन के को एयर पॉल्यूशन को लाइक रेक्टिफाई कर रहे हैं एनवायरमेंट में से, और हम उन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट इज़ बेसिकली रियल टाइम रिसर्च, इस पर हम लोग डिफरेंट रिसर्च कंडक्ट करवा रहे हैं, बिहेवियरल एटीट्यूडिनल एनालिसिस बिल्ड कर रहे हैं पैसेंजर्स का, ड्राइवर्स का, पब्लिक कम्युनिटी का, जनरल पब्लिक का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, टू बिल्ड अ रियल टाइम एनालिसिस एंड टू एनालाइज के लोग इस चीज़ इन चीज़ों को एक्सेप्ट कैसे करें और उनका बिहेवियर क्या होगा अगर हम इस तरह का कोई चेंज लेके आते हैं। इसके अलावा हम कैपिटल कॉस्ट का जो एक्सपेंडिचर आ जाता है, मेंटेनेंस कॉस्ट के फैक्टर्स आ जाते हैं, बैटरी चार्जिंग के काफ़ी सारे लोगों को कंसर्न होते हैं बिकॉज, और साथ साथ सेफ्टी के भी कंसर्न होते हैं बिकॉज हम लिथियम आयन बैटरीज को यूज़ करते हैं तो उससे लाइक दे आर अभी एक्सप्लोजिव इन सर्टन कंडीशन एंड एनवायरमेंट्स, तो उसकी वजह से लाइक जनरल पब्लिक फील लाइक यू नो उनको एक गैप फील होता है कि उनको अवेयरनेस नहीं मिली, उनको इस चीज़ के बारे में एक सेफ्टी प्रोटोकॉल का आइडिया नहीं दिया गया। तो विच इज़ वाई लाइक हम लोग इस चीज़ को लॉन्च कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं लाइक इन जनरल पब्लिक, स्टूडेंट्स कम्युनिटी, क्योंकि बेसिकली यूथ को ट्रिगर करना, टारगेट करना इज़ वन ऑफ आवर एम, सो दैट हम इस चीज़ों को फॉस्टर कर सकें और लाइक एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है ना वो माहौल क्रिएट कर सकें फॉर द पाकिस्तान, क्योंकि जैसे मुल्तान, कराची, लाहौर जैसे शहरों में हम देखते हैं कि माहौल की आलूगी कितना एक लाइक एक अच्छा खासा लेवल का एक्सीडेंट का इशू बन चुका है। तो उसकी वजह से लाइक वी नीड टू प्रोजेक्ट सर्टन एजेंडाज जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों, जो हमारे इन्वायरमेंट को लाइक पॉल्यूशन फ्री करें और इसके अलावा जो है ना नॉइस पॉल्यूशन जैसे फैक्टर्स को भी लाइक रिड्यूस करें। सो बेसिकली हम लोग के जो पायलट प्रोजेक्ट है इसके काफ़ी एजेंडाज हैं और ये सारी एजेंडाज बेसिकली इन्वायरमेंट फ्रेंडली सेंटरिंग है। इट इज़ बेसिकली फंडेड बाई USAID लाइक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल बॉडीज़ और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जब इस तरह के लाइक इनिशिएटिव्स में, स्टार्टअप्स में काम करती हैं तो इट फील्स लाइक के हम लोग की सोसाइटी एक लाइक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बन रही है और हमारे जो एजेंडाज हैं, जो प्रोजेक्शन हो रही है इन सारी चीज़ों की, तो लाइक दे आर लाइक क्वाइट प्रोग्रेसिव और हमारी सोसाइटी लाइक इस तरफ एक चेंज को फॉस्टर कर रही है, एक एक चैलेंज जो है हमारी लाइक यूथ के, जैसे इस यूनिवर्सिटी के भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का स्टूडेंट्स से रिलेटेड रिसर्च बेस्ड ओरिएंटेड जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनका हमें पता चला, तो लाइक उससे एक आपको एक अच्छा आइडिया हो जाता है कि हमारी यूथ जो है वो इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर है और लाइक इन सारे फैक्टर्स को डिमिनिश करने में, इन सारे फैक्टर्स को ओवरकम करने में लाइक दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, और या आई होप के फर्दर कोलैबोरेशन के साथ हम जो अपने एजेंडाज हैं उन पे और स्ट्रांगली काम करें, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें और एक अच्छा चेंज अपनी सोसाइटी में लेके आएँ।